नमस्कार दोस्तों, मैं सुनी पांडे, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। नौ हाल ही में बहुत ही एग्रेसिव वीडियो आ रही है पाकिस्तान में, जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनको अरेस्ट करा गया है या सीधा ये बोले कि धर लिया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं था कि आप इनको अरेस्ट कर लो, लेकिन वहां पे मिलिट्री पर्सनल्स पहुंचते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में पहुंचते हैं। आप वीडियो में देख सकते हो किस तरह से उनको प्रॉपरली कैप्चर कर लिया गया और ब्रुटली तरीके से उनको घसीटते हुए ले जाकर और फिर व्हीकल में बैठा लिया और लेकर चले गए, और एकदम से दीवार की तरह से चारों तरफ से उनको घेर रखा है ताकि कोई किसी तरह से भी अटैक करके उनको छुड़ाने की कोशिश ना करे। पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग हाईवे वगैरह ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या था कि इमरान खान ऐसे रेयर नेता थे पाकिस्तान के जो मिलिट्री को अक्यूज ठहराते थे, बार बार उसके ऊपर एलिगेशन लगाते थे। पहले तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने 2018 में इनका सपोर्ट किया था और इनका फेवर किया था, तब ये प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद में इन्होंने पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट ही थोड़े बहुत एलिगेशन लगाए, और जो सामने वाली पार्टी थी जिसके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उसने भी एलिगेशन उस टाइम पे लगाना शुरू कर दिया था कि फेवर किया है मिलिट्री ने। फिर मिलिट्री ने इनसे सपोर्ट पीछे ले लिया और पिछले साल अप्रैल में जो फ्लोर टेस्ट हुआ उसे ये पास नहीं कर पाया, और उसके बाद में ये रिमूव कर दिए गए पावर से। उसके तत्काल बाद से इन्होंने ये कहा कि कॉन्स्पिरेसी की गई है यूएस के द्वारा और जो हमारी मिलिट्री है उसके द्वारा, इस वजह से हमें पावर से हटाया गया है, और इनके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगाए गए, लगभग 100 से ज़्यादा चार्ज इनके ऊपर हैं। इस वजह से इनको हेयरिंग में जाना था इस्लामाबाद, जाते टाइम पे भी इनके साथ में बहुत सारे जो मिलिट्री पर्सनल्स थे वो थे, लेकिन अचानक से इनको अरेस्ट कर लिया गया और बहुत ही ब्रूटली तरीके से अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इन्होंने कल क्या किया था, एक पाकिस्तानी आईएसआई का जनरल था मेजर जनरल नसीर, उनके ऊपर इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उन्होंने दो बार ट्राई करवाया है इनको मारने की। देखो, नवंबर में पिछले साल इनके ऊपर अटैक हो चुका है और इनके पैरों में गोली लगी भी थी, असैसिनेशन का इनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था ऐसा इन्होंने क्लेम किया था। और उसके बाद में एक जर्नलिस्ट था अरशद शरीफ खान जो मारा गया था साउथ अफ्रीका में, तो वो ये कह रहे हैं कि वो प्रो इमरान खान था और जो तहरीक इंसाफ पार्टी है इनकी उसके अकॉर्डिंग वो अच्छी न्यूज़ छापता था, लेकिन उसको मरवा दिया गया। ये जो जनरल हैं एएसआई के, मेजर जनरल फैजल नसीर, हम यहाँ एक साल 8 महीने से इस आदमी का जुल्म सह रहे हैं, क्यों नहीं ऊपर खबर जा रही कि जनाब ये मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है, ये जो हरकतें कर रहा है ये कोई आदमी नहीं कर सकता जो इस मुल्क से प्यार करता है। हमें ऐसे किया जा रहा है जिस तरह हम कोई दुश्मन है। तो मैं आज कह रहा हूं कि ये आगे कुछ हुआ मैं निकलने लगा हूं, मैं जलसे करूंगा अगले हफ्ते से 14 मई तक मैं जलसे करूंगा। कुछ मुझे हुआ, सारी कौम को कह रहा हूं कि जनरल फैसल नसीर का याद नाम याद रख लो, ये जिम्मेदार होगा। इस वजह से इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए थे, और पाकिस्तान में कोई भी आरोप अगर पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर लगाता है, सिंपल सी बात है, या तो वो मार दिया जाएगा और या बहुत ज्यादा अगर पॉलिटिकली पावरफुल इंसान है तो उसको पावर से ही हटा दिया जाएगा। हो सकता है इन द फ्यूचर ऐसी कोई खबर आए कि इमरान खान की तबीयत खराब थी और अकस्मात उनकी डेथ हो गई या उनका हार्ट अटैक वगैरह हो गया, ऐसा भी हो सकता है। इनके ऊपर बहुत ज्यादा एलिगेशन भी था भ्रष्टाचार का, जिसमें से एक बहुत मेन है, इन्होंने एक लैंड एलोकेटेड किया था जो लगभग में इंडियन रुपये में देखा जाए तो 15 करोड़ का था, अल कदीर ट्रस्ट को जो ओन करते हैं ये और इनकी वाइफ, तो इस वजह से इनके ऊपर ये सीधा एलिगेशन लगाया जा रहा था। इसके अलावा बहुत सारे एलिगेशन हैं जो इनके ऊपर लगाए गए हैं पास्ट में। ये भी बात क्लियर है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आई है, उसके भी रीज़न यही हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत बार पब्लिक से लिटरली गुहार लगाई है कि आप रोड पे आओ और प्रोटेस्ट करो और दोबारा से इलेक्शन करवाओ, जनरल इलेक्शन होना चाहिए पाकिस्तान में और मैं उसके बाद में प्रधानमंत्री बनूंगा। हाल ही में कुछ इलेक्शन हुए थे लाहौर में और कराची में, उसमें जो लोकल बॉडी के इलेक्शन थे उसमें पीटीआई ही जीती थी, यानी इनकी ही पार्टी जीत रही थी लगातार। इमरान खान के ऊपर एक एलिगेशन ये भी है कि मलिक रियाज हसन नाम का एक बिजनेसमैन था, उसको इन्होंने फेवर किया था और उसके बाद में रिटर्न में इसको, अब देखो वो बिजनेस टाइकून था तो उसने रिटर्न में इनको बहुत ज़्यादा जगह दी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए और डोनेशन दिया, तो इस वजह से ये एलिगेशन भी इनके ऊपर लगाया जाता है। मतलब करप्शन के इनके ऊपर लगभग में 100 चार्जेस थे, लेकिन आज जो ये अरेस्ट किए गए हैं ये किसी भी तरह से कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया था, बल्कि ये कोर्ट में तो पेश होने गए थे, इनको मिलिट्री ने उठा लिया है। और इन्हीं की पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए उनको किडनैप कर लिया गया है और कोई लोकेशन हमें पता नहीं है कि उनको कहाँ ले जाया गया है। और वैसे भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये अच्छा समय है, अगर कोई मुक्ति वाहिनी जैसी संगठन वहाँ पे बन जाती है और वो इन द फ्यूचर बहुत हार्ड वर्क करती है तो पाकिस्तान इस टाइम पे डिवाइड भी हो सकता है, और कुछ नहीं होगा तो इंडिया कम से कम POK वापस ले सकता है, क्योंकि इनस्टेबिलिटी अगर पाकिस्तान में रहेगी और सिचुएशन गृह युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगी तो इंडिया के लिए ही सीधा लाभ होगा, क्योंकि इंडिया आराम से POK पे अपना अधिकार जमा सकता है जो इंडिया का ऑक्युपाइड लैंड है।
पाकिस्तान के द्वारा, और वैसे भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो भी आज़ादी चाहते हैं पाकिस्तान से। तो ये एक बहुत ही ग्रेट टाइम है अगर पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में गृह युद्ध हो जाता है, हैवी प्रोटेस्ट होते हैं, आगजनी होती है, तो इन द फ्यूचर ये इंडिया को हेल्प करेगा। और पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक कंट्री है, तो इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। बाकी इन द फ्यूचर देखते हैं कि इस पर और क्या डेवलपमेंट होती है। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग हो सकती है कि इमरान खान के बारे में कोई बैड न्यूज़ आ सकती है इन द फ्यूचर।